बाप और बेटे औरकदस के नाम से आमीन हमारे लिए आज का पैगाम बामुताबिक मुक़दस युहाना की अंजेल उसके पहले बाब में से बयान सैतालीसवीं आयत मकदसा से इक्यावनवीं आयत मकदसा तक यसु ने नातनील को अपनी तरफ आते देखकर उसके हक में कहा देखो एक हकीकी इसराइली इसमें मकर नहीं नातनेल ने उससे कहा तू मुझे कहाँ से जानता है यसु ने जवाब दिया और उससे कहा इससे पहले कि फैलबूस ने तुझे बुलाया जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था मैंने तुझे देखा नातनेल ने उससे जवाब दिया कि रब्बी तू खुदा का बेटा तू इसराइल का बादशाह है यसु ने जवाब में उससे कहा क्या तू इसलिए ईमान लाता है कि मैंने तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के दरख्त के नीचे देखा तू इससे भी बड़े बड़े माजरे देखेगा फिर उससे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने इंसान पर उतरते देखोगे आमीन पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाई से बरकत हो खुदा का शुक्र हो आमीन आज उनतीस सितंबर छब्बीसवें लतूरियाई हफ्ते की जुमेरात आज पाकमा कलिसिया आसमान और जमीन पर मुकर्रब फरिश्तों की ईद मनाती है आज की पहली तलावत में दानियल की किताब में से बताया गया है खुदा का जाहो जलाल और खुदा के बेटे का जलाल और इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से फरिश्ते जो हैं वो खुदा की तमजीद कर रहे हैं और खुदा की शान और शौकत को बढ़ा रहे हैं और हर तरफ लोग ही लोग हैं और खुदा का बेटा जब वो तख्त पर है और वो, वो सारी दुनिया पर हुकूमत कर रहा है आज की अंजील मुकदस में नथानियल को जब खुदा जसु मसीह बताते हैं कि मैंने तुझे अंजीर के दरख्त के नीचे देखा था तो नथानियल इस बात से बहुत मुतासर होता है और कहते हैं कि तू ही वाकई तू खुदा का बेटा है और फिर खुदा उन यसु मसीह उसे कहते हैं कि तू और बहुत सारी चीजें देखेगा और फिर देखेगा कि खुदा का जलाल और फरिश्तों को ऊपर जाते और नीचे आते देखेगा मेरे अजीज भाई और बहनों खुदा ने फरिश्तों को आ, पैदा किया है और इंसानों को भी पैदा किया है और ये जो इंसान की जो आ, मिनिस्ट्री है वो इंसानी है और फरिश्तों की जो आ, मिनिस्ट्री है खदमत है ये उसके लिए मामूर किए गए हैं फरिश्ता क्या होता है फरिश्ता एक ऐसी मखलूक है जिसे खुदा ने बनाया है इसको हम देख नहीं सकते लेकिन ये हमारे इर्द गिर्द रहता है हमारे बपतिस्मा पाने से हमें हम ईमानदार बन जाते हैं ईमान लेने वाले बन जाते हैं और खुदा की तरफ से हमें फरिश्ते मिलते हैं जिन्हें हम कहते हैं गार्डियन एंजल या हमारे मुहाफिज एंजल उसके बाद आसमान पर खुदा की हम दो तमजीद करने के लिए हजारों लाखों करोड़ों फरिश्ते हैं जो खुदा की तमजीद करते हैं और हर वक्त ये गाते हैं ए, ए, कदूस 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 खुदावन लश्करों का खुदा आसमान और जमीन पर खुदा का जलाल है और ये जो वो आसमान पर गाते हैं पाक मास जिस वक्त हम कर रहे होते हैं उस वक्त भी काहन जो है वो प्रीफेस के वक्त में हम बताता है कि किस तरह फरिश्ते फरिश्ते और सारी कुवतें और ताकते और हम भी अपनी आवाज उनके साथ में लाते हैं और हम भी कहते हैं कदूस 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 खुदा लश्करों का खुदा तो उस वक्त आसमान और जमीन एक हो जाते हैं यानी जो कुछ आसमान पर हो रहा है वही हमारे गिरजाघर में पाखी यूप्रस के दौरान में हो रहा है कि हम सब आसमान के फरिश्ते मुकदसन और जमीन पर हम हम भी उसे उसके नाम को कदूस कहते हैं होली 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 लॉर्ड गॉड ऑफ होवर एन न फुल ऑफ योर ग्लोरी होजाना इन द हाइस्ट अच्छा फिर तीन मुकर्रफ फरिश्ते हैं तीन मुकर्रब मुकर्रब का मतलब बड़े फरिश्ते यानी इनकी मिनिस्ट्री भी बहुत बड़ी है आ, इनके नाम है जबराइल मिकाइल एंड रफाइल अच्छा इन तीनों के जो नाम है इनके नामों से इनकी जो खिदमत है उसका हम अंदाजा लगा लगा सकते हैं हीब्रू में या इब्रानी जुबान में जब्राइल, जबर जबराल जब्र, इसका मतलब है खुदा का जोर और यह है पैगाम देने वाला फरिश्ता आर्केंजल एंजल गेब्रियल पैगाम देने वाला फरिश्ता और यही वो फरिश्ता है जिसे आप देखेंगे कि इसके दोनों पर हैं और ये हाथ जोड़कर मुकस्सा मरियम के पास आया और इसने मरियम को सलाम किया और और खुदा का पैगाम दिया और मुकसमा मरियम ने कहा कि देख मैं खुदावंत की बंदी हूं जैसा तूने कहा वैसा मेरे लिए हो तो ये है जबराल खुदा का जोर मुकसम मरियम पर के सामने आके सलाम करता है ताकि वो नजात दहिंदा को इस दुनिया में लाने के लिए राजी हो जाए उसके बाद है मिकाइल मिकाइल फरिश्ते के अगर आप स्टैचू देखें तो आप देखेंगे कि इसके हाथ में तलवार है और इसने वो तलवार गाड़ दी है सांप की सीरी में यानी ये है शैतान पर गालिब मिकाइल गालिब शैतान पर गालिब और ये मिकाइल फरिश्ता ये इससे हम भी दुआ करें ताकि हमारे इर्द गिर्द जो भी कोई शतान है उसकी कोफते खत्म हो जाए उसके लिए हम अपनी हिफाजत के लिए मिकाइल फरिश्ता से दुआ करते हैं उसके बाद है रफाइल तो नाम ही से इस फरिश्ते को आप इब्रानी जुबान में रफाइल इल इल का मतलब होता है खुदा अल्लाह और रफा मीन्स दूर करने वाला तो ये जो है ये शफा का फरिश्ता है जिसने जिसमें ये खास मिनिस्ट्री या खिदमत है कि वो हमें शफा देता है इसलिए जब हम बीमार होते हैं तो हम रफाइल फरिश्ते से जो रफा करने वाला जो हमारी दुख तकलीफ बीमारी को रफा करने वाला है उससे हम दुआ करते हैं रफाइल तो इस तरह से मेरे अजीज भाई और बहनों ये जो तीन मुकर्रब और आर्च आर्क एंजल्स हैं बड़े तीन फरिश्ते हैं इनकी मिनिस्ट्रियां भी बड़ी बड़ी हैं एक जो पैगाम देने वाला है यानी जबराइल खुदा की कुवत दूसरा जो शैतान पर गालिब आता है मेकाइल और तीसरा रफाइल जो रफा करता है हमारी सारी दुख तकलीफ बीमारियों को दूर करता है इसलिए आइए मेरे अजीज भाई और बहनों हम खुदा का शुक्र करें कि खुदा ने ये जो मखलूक बुनाई है जिसे हम फरिश्ते कहते हैं ये हमारे गिरद में होते हैं और हो हमारी मदद करते हैं और फिर हमें भी इन फरिश्तों की तरह इंसान होते हुए फरिश्तों के से काम करने चाहिए अगर आप किसी को अस्पताल लेके जाते हैं तो आप रफाइल की तरह है अगर आप किसी को कोई खुशखबरी सुनाते हैं तो आप जबराइल की तरह है आप अगर किसी को बदी और बुराई से दूर रहने का दर्ज देते हैं और उसकी मदद करते हैं तो आप भी कायल फरिश्ता या मुकदस माइकल बनते हैं तो आइए हमें भी फरिश्तों की सी फितरत रखनी चाहिए अपने आप में और इन मुकर्रफरतों और फरिश्तों से ये दुआ करनी चाहिए कि वो जो हमारी हिफाजत करते हैं वो हमारी मदद भी करें और वाकई ही यही फरिश्ते हमारी रोजमर्रा की इंसानी जिंदगी में हमारे मददगार हैं और हमारी मदद करते हैं खुदा आपको और मुझे इसी तरह इन फरिश्तों की फितरत अता फरमाए ताकि हम इस दुनिया में रहते हुए ये जो खुदावंद यसु मसी की जो खिदमत है खुदांद यसुमसी का जो पैगाम है जो खुशखबरी है ये दूसरों तक फरिश्तों की तरह पहुंचाते रहें आमैन